ये ख्वाहिश को पट्टी बांध रहे हैं, यश बेटा आप पट्टी बांधो। ये ब्लाइंड फोल्ड रीडिंग का डेमो है और ख्वाहिश ने पट्टी बांध ली है। अब हम कुछ चीज़ें डिस्प्ले करेंगे। चलिए ख्वाहिश ये लो। ये सबसे पहले तो इस बुक का कलर बताओ। इस बुक का कलर ऑरेंज है और ये इंग्लिश की बुक है और ये सेकंड क्लास की बुक है। ओके और बताओ इस पे कोई पिक्चर बनी हुई है, कोई डायग्राम, कोई पिक्चर? इस पे एक लड़की की पिक्चर बनी हुई है, उसने ना रेड वाइट और ग्रे कलर की टी शर्ट डाली हुई है और उसकी फ्रॉक का कलर ब्लू है और उसका पर्स ब्राउन कलर का है। वेरी नाइस। और इस पे क्या लिखा हुआ है, हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, कोई शेप बनी हुई है इस पे? इस पे स्टार की शेप बनी हुई है। स्टार की शेप बनी हुई है, वेरी नाइस। ये किस कंपनी की है, किस पब्लिकेशन की है? वेरी गुड। आस्था लिखा हुआ है। ओके वेरी नाइस। ओके चलो अब एक और आपके सामने बुक लाई जा रही है, ठीक है। ये दो बुक्स हैं आपके सामने, इन दोनों बुक्स में फ़र्क बता रहा है आपने, क्या फ़र्क है इन दोनों बुक्स में? ये दोनों बुक इंग्लिश की है लेकिन इस बुक का कलर ज़्यादा डार्क है और इसका थोड़ा सा लाइट है। ओके ये तो बेसिक से मतलब ये बहुत तो वैसे प्रिंटिंग में है कि इसमें कलर में डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बताया आपने, ठीक है। लेकिन वैसे मतलब पेज पर कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है क्या, पेज के प्रिंटिंग में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उन दोनों टेक्स्ट में क्या फ़र्क है? यहाँ पे नहीं, बाहर एक्सटर्नल कवर पेज, या दोनों बुक्स में अंतर क्या है? यस कर सकते हो आप, वेरी नाइस, वेरी गुड। यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे न्यू नहीं है। ओके न्यू नहीं लिखा हुआ है, ये NEP लिखा हुआ है, वेरी नाइस। एक और डिफरेंस आपने बता दिया है और एक और डिफरेंस है, बस हल्का सा डिफरेंस है। बताओ इंग्लिश की है नो डाउट बट एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों बुक्स में, पकड़ो। वेरी गुड, लंबी गहरी सांस लो, फिर से एक बार छू के सुन कर देखें, यस बताएं। वेरी गुड, ये क्लास सेकंड की बुक है और ये क्लास थर्ड की बुक है, बस यही डिफरेंस था इन दोनों में, वेरी नाइस। कुछ और देखते हैं।